नंबर 22, उसमें लिखा है टू डाइज आर थ्रोन। आगे समझाया था लास्ट लेक्चर में कि एक डाई को उछालोगे तो 6 आउटकम मिलेंगे, दो डाई को उछालोगे तो 6 × 6 यानी 36, और 3 डाइस को उछालोगे तो 6 × 6 × 6 यानी 216 एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। तो अभी हम देखते हैं टू डाइस आर थ्रो यानी कि दो डाइस को एक साथ उछालना है तो हमें टोटल आउटकम्स मिलेंगे 6 × 6 यानी कि 36। अभी वो 36 आउटकम्स आपको लिखने हैं, कैसे? तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने पहली डाई का 1, दूसरी का 1 यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। पहले के लिए 1 फिक्स रखना है, दूसरे के लिए आपको चेंज करना है, तो ये हो गए 1 1 2 1 1 6। उसी तरह 2 1 2 2 1 2 6, 3 1 2 3 6, 4 1 2 4 6, 5 1 2 5 6, 6 1 2 6 6। इस तरह आपको 6 इस तरह लिखना है और इस तरह यहाँ पे 6 यानी 6 × 6 आपके 36 हो जाएंगे। अगर दो डाई एक साथ में उछालना है तो आपको कंपलसरी ये 36 आउटकम्स लिखने हैं। अभी इसके ऊपर डिपेंड आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 वो एग्जाम में आता नहीं है मोस्ट ऑफ, तो हम वो करेंगे नहीं, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 1 देखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको टेक्स्ट बुक में भी टेबल ड्रॉ करके दिया है, उसमें किसी के आंसर आपको दिए, बाकी के आपको फाइंड करने हैं, हम यहाँ सभी के फाइंड करेंगे। कैसे? तो सम है, सम ऑन द टू डाइस यानी कि आपके जो डाइस है उसके ऊपर जो भी नंबर आएगा उसका सम चेक करना है और उसकी फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। चलो सबसे पहले 2, तो सम 2 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 1 + 1 2 हो रहा है, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 2, ऐसा ओनली 1 है, बाकी कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। तो 1 + 1 2, तो 2 सम होगा, ऐसा ओनली 1 आउटकम्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/36 यानी m/n, m = 1, n = 36। फिर सम 3 होना चाहिए, देखो 1 + 2 3 2 + 1 3, ये दोनों का सम 3 हो रहा है, बाकी किसी का भी 3 पॉसिबल नहीं है, तो 1 + 2 3 2 + 1 3 कितने आउटकम्स हुए 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/36। उसी तरह 4, देखो 1 + 3 2 + 2 3 + 1, सभी का 4 हो गया, कितने हो गए 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/36। 5 1 + 4 2 + 3 2 + 3 3 + 2 4 + 1 यानी 1 2 3 4 यानी यहाँ पे लिखेंगे 4/36। 6 1 + 5 2 + 4 3 + 3 4 + 2 5 + 1, इन सभी का प्लस होगा 6 यानी कि यहाँ पे आएगा 5/36। 7 1 2 3 4 5 6, ये पूरी जो लाइन दिख रही है वो उसका सम आपको 7 मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा 6/36। फिर 8 2 + 6 3 + 5 4 + 4 5 + 3 6 + 2, इन सभी का सम आपको मिलेगा 8, ऐसे मिलेंगे आपको 5 आउटकम्स 36। यहाँ पे देखो एसेंडिंग ऑर्डर में हो गया 1 2 3 4 5 6, अभी यहाँ पे आएगा डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि 5 के बाद यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 3 आउटकम्स, यहाँ पे 2 आउटकम्स और यहाँ पे ओनली 1 आउटकम्स, जिसका सम 12, देखो 12 वाला ओनली 1 है, 6 + 6 यानी 12 वाला ओनली 1, तो 1/36। आगे इसी के ऊपर क्वेश्चन नंबर 24 डिपेंड है, और डाई इज थ्रो ट्वाइस, एक डाई को दो बार उछालना है, तो वही क्वेश्चन हुआ, टोटल आउटकम्स आपको मिलेंगे 6 × 6 यानी 36। यहाँ पे मैंने बॉक्स में लिखा है ऑल आउटकम्स राइट्स अगेन यानी 36 जो आउटकम्स है वो वापस आपको यहाँ पे लिखना है, मेरी तरफ बॉक्स मत बनाना, इसी तरह 36 आउटकम आपको यहाँ पे लिखना है। चलो उसका पहला क्वेश्चन क्या है, 5 will not come up either time यानी कि जो आपके 36 आउटकम्स है उसमें आपको 5 वाला आउटकम लेना नहीं है, इसका मतलब देखो आपको ये लेना है 1 1 1 2 1 3 1 4 एंड 1 6, ये लेना नहीं है क्योंकि इसमें 5 दिख रहा है, जिसमें 5 दिखेगा वो आपको नहीं लेना है। तो 1 2 3 4 5, पहली रो में आपको 5 मिलेगा, दूसरी रो में भी 5, क्लियर, तीसरी में भी 5, चौथी रो में भी आपको 5 मिलेगा,
सॉरी हाँ फाइव आउटकम्स। फिर फिफ्थ नंबर का रो आपको नहीं लेना, क्योंकि सब में देखो फाइव दिख रहा है, इन सभी के अंदर फाइव लिखा है, यानी ये आपको पूरा रो निकाल देना है और इसके अंदर फाइव, यानी आपको टोटल 5 × 5 25 आउटकम्स ऐसे मिलेंगे जिसके ऊपर कहीं भी 5 लिखा नहीं दिखेगा। ओके 5 विल नॉट कम, यानी कि जिसके ऊपर 5 नहीं है ऐसे टोटल आउटकम्स कितने हो गए 25। यहाँ पे आंसर आएगा 25/36, कुछ भी कट नहीं होगा, दैट्स आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। तो ऐसे आउटकम्स देखो ये रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे 7, 8, 9, 10 और 11, यानी जिसमें आपको 5 दिखेगा ऐसा आउटकम्स कितने हैं टोटल 11, 11/36, यहाँ पे भी कुछ कट नहीं हो रहा है, दैट्स आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको सिर्फ चेक करना है आर्ग्यूमेंट, आपकी आर्ग्यूमेंट सही है कि गलत। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा लिखा है कि टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 कॉइन्स को एक साथ उछालना है, उसकी आपको 3 पॉसिबिलिटी मिलेगी, फर्स्ट हेड्स, सेकंड टेल्स और थर्ड दोनों, यानी कि हेड और टेल दोनों आना चाहिए और उसकी आपको लिख के दी है प्रोबेबिलिटी 1/3। क्वेश्चन में आपको लिख के कितना दिया है 1/3, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों? तो उसका रीजन हम देखते हैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस सिम्यूलेंसी, यानी 2 कॉइन को एक बारी बारी आप उछालोगे तो आपको टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे 4, वो आगे समझाया था HH TT HT TH। अभी मुझे इन सभी की फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, कैसे? तो देखो दोनों बार H आएगा, ऐसा आउटकम्स कितनी बार आता है ओनली 1 टाइम्स और टोटल कितने हैं 4, यानी आंसर हो गया 1/4। फिर दोनों बार T आएगा, वैसा आपको मिलेगा 1/4। फिर दोनों में से एक मिलेगा, यानी 1 टाइम H तो 1 टाइम T, 1 टाइम T तो 1 टाइम H, ऐसे 2 आउटकम है, यानी कि 2 टोटल 4, 2/4 यानी 1/2। आपका आंसर कहीं भी 1/3 आ रहा है, नो, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर क्या लिखा है, एक डाई को उछालना है, तो डाई को उछालने से आपको क्या मिलेगा इवन नंबर अदरवाइज ऑड नंबर, और उसके अंदर क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है कि जो ऑड नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आएगी, तो वो स्टेटमेंट सही है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि डाई को उछालने से टोटल कितने मिलेंगे 6, तो टोटल आउटकम्स 6। अभी 1, 2, 6 में इवन नंबर कितने हैं 2, 4, 6, ऑड नंबर कितने हैं 1, 3, 5। अभी दोनों काम फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी, पी ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर 3, तो 3/6 1/2, ऑड नंबर भी कितने हैं 3, तो 3/6 1/2, आपका आंसर 1/2 आ रहा है और आपको क्वेश्चन में भी क्या लिख के दिया है 1/2, दैट मींस ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 15 फिनिश हो रहा है।